नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर है आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। दोस्तों, उत्तर पूर्व की दिशा को सबसे उत्तम दिशा माना जाता है वास्तु में। इस दिशा में दोष होने से अनेकों समस्याएं आती हैं और इस दिशा में बहुत सारे लोग मास्टर बेडरूम बना लेते हैं या बेडरूम बना लेते हैं। नॉर्थ ईस्ट की दिशा में अगर बेडरूम बना लिया और उसमें आप सो रहे हैं, यानी जीवन के अच्छे पलों को गुजारने का एक अच्छा तरीका होता है सोना, लेकिन लाभ की जगह हानि हो रही है, हर तरह की परेशानी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो मुख्य दोष आपका ये बेडरूम है। मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। मास्टर बेडरूम वो बेडरूम होता है जो उस व्यक्ति को रखना चाहिए अपने पास जो पूरे घर के अंदर सभी तरह का निर्णय लेते हैं, चाहे वो यंग लड़का हो सकता है या कोई वृद्ध आदमी भी हो सकता है जो हर तरह के निर्णय लेता है। अब नॉर्थ ईस्ट के जो दिशा में अगर वो व्यक्ति सो रहा है तो इसको जल की दिशा बोलते हैं। स्थायी तो नहीं है, वो कभी भी अच्छे निर्णय नहीं लेगा, हर तरह से उसके निर्णय खराब होंगे। और कोई भी निर्णय लेगा शादी में, विवाह में, नौकरी में, व्यवसाय में नुकसान हो रहा है, मुख्य कारण यही है। बता देता हूँ वैसे आपको कि जो मास्टर बेडरूम की उत्तम दिशा होती है साउथ वेस्ट, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट की। लॉस ऑफ वेल्थ, हर तरह का नुकसान होता है, धन की हानि और प्रॉपर्टी की हानि, सभी कार्यों में रुकावट होती है। आपका जो व्यक्तित्व है, लॉस ऑफ आइडेंटिटी, आपका जो व्यक्तित्व है दूसरों के सामने, उसका लॉस होता है, नुकसान होता है। निर्णय तो आप ले ही नहीं सकेंगे, शादी में देरी होगी। अगर उस बेडरूम में कोई यंग लड़के बच्चा सो रहा है या यंग लड़की सो रही है तो शादी उसकी देरी से होगी। और ऐसे व्यक्ति के बारे में और कहा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जल तत्व होने के कारण बहुत जल्दी किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं। शादीशुदा यंग बच्चों को आपने, लड़के को और लड़की को दे दिया है ये वाला एरिया, ये बेडरूम, तो उनके बच्चे भी देरी से होंगे और बच्चे होंगे तो वो डिप्रेशन में रह सकते हैं वो बच्चे, उनको बहुत उत्तम वातावरण नहीं मिल पाएगा। सारा कारण ये है कि प्रभु की दिशा है। नींद नहीं आने की बीमारी भी लग सकती है, क्या करें अगर आपने बेडरूम बना रखा है, हटा नहीं सकते, कोई बात नहीं। अगर इस बेडरूम में आप पूजा घर बना लेते हैं, पूजा का स्थान बना लेते हैं तो अति उत्तम है, बहुत उत्तम फल मिलने वाला है। घर के वृद्ध व्यक्ति जो डिसीजन नहीं लेते हो, ऐसे वृद्ध चाहिए। जो व्यक्ति डिसीजन लेने वाला वृद्ध है या ओल्ड भी है, उसके लिए ये रूम ठीक नहीं है, उसको ये रूम दीजिए। उसको नींद आने की, नहीं आने की बीमारी है, सब बीमारियां दूर हो जाएंगी, मानसिक शांति भी उसको मिलेगी। कुंवारी लड़की को कभी भी ये रूम नहीं देना चाहिए, नए नवेलों को भी ये रूम नहीं देना चाहिए। और इस रूम के अंदर कभी भी किसी भी तरह का कोई भी अग्नि यानी हवन वगैरह भी यहाँ नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ये अग्नि तत्व की दिशा नहीं है। सांसारिक कार्य भी अगर आप करेंगे तो भी इस दिशा की जो रूम है, बेडरूम है, उसमें नुकसान होगा, क्योंकि ये जल तत्व का एरिया है। दोस्तों, उत्तर पूर्व में अगर मास्टर बेडरूम बना लिया और उसमें कुछ उपाय करना चाहते हैं तो एक निवारण उपाय बता रहा हूँ आपको, इसको बोलते हैं संपूर्ण वास्तु यंत्र। देखिएगा, इसको संपूर्ण वास्तु यंत्र बोलते हैं, बहुत पावरफुल यंत्र होता है। इसमें 12 यंत्र होते हैं। इसको संपूर्ण वास्तु का यंत्र होता है, दुर्गा दिशा, महामृत्युंजय, राहु केतु के यंत्र, और भी जो भी इस तरह के यंत्र होते हैं, गणपति का यंत्र होता है, बगलामुखी, नवदुर्गा, महामृत्युंजय, श्री यंत्र, कुबेर, मंगल, शनि, राहु, वास्तु दोष, काली यंत्र, ये सारे इस तरह के 12 यंत्रों का एक संपूर्ण शक्ति के साथ ये अगर आप अपने घर में लगाते हैं तो और भी जो वास्तु के दोष हैं वो दूर होंगे। और नॉर्थ ईस्ट की दिशा में इसको लगाएं तो घर में हर तरह की तरक्की, बरकत होने की पूरी संभावना रहती है। जो भी कार्य रुक गए हैं, मांगलिक कार्य हों, धन के हों, व्यवसाय के हों, फैक्ट्री के हों, उनमें बढ़ोतरी होती है, कोई रुकावटें हैं वो दूर हो जाती हैं। कोई एक प्रश्न आप जानना चाहें मुझसे, चाहें
वास्तु का हो, चाहे वो ज्योतिष का हो, चाहे वो हस्तरेखा का हो, एक ही प्रश्न का निःशुल्क उत्तर देता हूँ। ऊपर व्हाट्सएप नंबर है, आप भेजिए, उत्तर देने की पूरी कोशिश करूँगा। धन्यवाद। नमो नारायण।